बिखे बिखराते क्यों चाले गुर चाली सतगुर दया करे सुख दाता हम लावे आपन पाली गुर सिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कहे सोई पल मानो हर हर कथा निराली रहाओ हर के संत सुनो जन पाई गुर से वो बेग बेगाली सतगुर सेव खरच हर भादो मत जानो आज के काली हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल के लाली हर हर जपन जप लो चलो जानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हर सिख के मन की ये चाह होती है कि उस गुरसिख को अपने जीवन में कम से कम एक बार गुरु नानक देव जी के दर्शन हो जाएं। कई ऐसे सिख हुए हैं जिनकी ये मनोकामना पूरी हुई है। हम अरदास करते हैं प्रभु के आगे, जोदड़ी करते हैं कि काश हम भी गुरु के दर्शन कर सकते हैं, गुरु नानक देव जी की हमें दर्शन हो जाएं। खैर, गुरु साहब जी तो आप, गुरु ग्रंथ साहब जी भी हैं, जागदी ज्योत हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी में दसों पातशाही जी की ज्योत है। आप दसों पातशाही गुरु ग्रंथ साहब जी में बसते हैं। जब हम गुरु ग्रंथ साहब जी को माथा टेकते हैं तो हम दसा पातशाही जी को भी माथा टेक रहे होते हैं। परंतु फिर भी देखा गया है कि हर सिख के मन में एक चाह होता है कि गुरु के दर्शन हो जाएं। गुरु नानक देव जी उनके जीवन में आए, गुरु नानक देव जी के उन्हें दर्शन हो जाएं। धन है वो सिख जिनको सचमुच ही गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए हैं। और कितने धन होंगे वो सिख जो कि गुरु नानक देव जी के साथ रहे, उनकी उन्होंने बाणी सुनी, कीर्तन सुना, साक्षात्कार हुए। वो भी कैसा समा होगा जब गुरु नानक देव जी बैठकर कीर्तन करते होंगे और गुरसिख बैठकर उनका कीर्तन सुनते होंगे। और सबसे बड़े भाग तो
उस सिक्के हैं जो कि इतिहासकार कहते हैं कि करीबन 54 साल तक वो सिख गुरु नानक देव जी के साथ रहे, जिसका नाम है भाई मर्दाना। भाई मर्दाना जी का जन्म 1459 में हुआ, जो कि गुरु नानक देव जी ने जो सिखी का प्रचार किया, सिखी की रीत चलाई। कहते हैं भाई मर्दाना जी सिख जगत के पहले सिख हुए हैं। भाई मर्दाना जी का जन्म मुस्लिम घराने में हुआ, वे एक मुस्लिम थे, मरासी घराने के थे। मरासी घराना वो होता है जो कि संगीतकार होते हैं, रबाब बजाते हैं, इस प्रकार के साज बजाते थे। कहते हैं भाई मर्दाना जी का जन्म रायपोई की तलवंडी में हुआ, जो कि आज ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। भाई मर्दाना जी के पिता का नाम इतिहास में भद्रा जी आया है और माता लखू जी। कई इतिहासकारों का कहना है कि इतिहास में एक कथा आती है जिसमें कहा गया है कि भाई मर्दाना जी जिस घराने के थे, मरासी घराने के, उनके माता पिता के घर पर यानी कि भद्रा जी और लखू जी के घर पर जितनी भी संतानें हुई, समय आने पर उन सभी की मौत हो गई, कोई भी वडेरी अवस्था तक नहीं पहुंच पाया, सभी छोटी ही अवस्था में संसार को छोड़कर चले गए। एक बार की बात है, कहते हैं गुरु नानक देव जी उनके घर गए और भाई मर्दाना जी अभी छोटी अवस्था के थे। इतिहासकारों के अनुसार कहते हैं कि भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी से 10 साल बड़ी आयु के थे। कई इतिहासकारों का ये भी कहना है कि जब गुरु नानक देव जी छोटे थे तो उन्हें अपनी गोद में लेकर गांव में घुमा करते थे। इसी प्रकार जब गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के घर पर गए तो माता लखू जी ने गुरु नानक देव जी से कहा कि हमारे घर पर जो भी संतान होती है वो इस संसार को छोड़कर चली जाती हैं। इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने ये भी कहा है कि भाई मर्दाना जी का नाम माता पिता ने वैसे तो दाना रखा था, पर वे उन्हें मर जाना कहकर पुकारते थे, क्योंकि इस दाने ने आखिर एक दिन मर जाना है छोटी अवस्था में। परंतु गुरु नानक देव जी ने वचन कर दिए थे कि ये मर्जाना नहीं बल्कि मर्दाना होगा, यानी कि एक महापुरुष होगा, वो छोटी अवस्था में नहीं मरेगा बल्कि प्रभु की प्राप्ति करेगा और इसकी लंबी आयु होगी। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी के साथ कहते हैं भाई मर्दाना जी 54 साल तक रहे। एक बार की बात है, जब पहली बार गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी को कहा कि आप रबाब बहुत अच्छी बजाते हैं, क्या आप मेरे साथ चलेंगे, प्रभु के लिए रबाब बजाएंगे, इस पर मर्दाना जी ने कहा था
कि मैं एक मरासी हूँ जो कि रबाब बजाते हैं और हम लोगों के लिए रबाब बजाते हैं, राजा महाराजों के लिए रबाब बजाते हैं ताकि हम अपना पेट पाल सकें, अपनी गृहस्थी जीवन संभाल सकें, गृहस्थी में रहकर अपना संसार चला सकें। इस पर गुरु नानक देव जी ने कहा था, वो तो सभी करते हैं, गृहस्थी में रहकर अपना संसार चलाते हैं अपने पेट के लिए तो हर कोई रबाब बजाता है, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु के साथ जुड़ें, पिता परमेश्वर के लिए रबाब बजाएं ताकि आप प्रभु की प्राप्ति कर सकें, क्योंकि ये जो संसार है वो एक माया है, हमें संसार में प्रभु ने इसीलिए भेजा है ताकि हम अपना तो उद्धार कर सकें प्रभु के साथ जुड़कर और लोगों का भी उद्धार कर सकें लोगों को प्रभु के साथ जोड़कर। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी को पूछा कि क्या आप मेरे साथ चलेंगे अपने पेट के लिए नहीं बल्कि प्रभु को रिझाने के लिए, उसका प्यार पाने के लिए क्या आप रबाब बजाएंगे? भाई मर्दाना जी ने कहते हैं एक क्षण में हाँ कह दी थी, कहा जी ज़रूर। और इसी प्रकार भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी के साथ हो चले। जहाँ जहाँ गुरु नानक देव जी गए भाई मर्दाना जी उनके साथ चलते रहे। इसी प्रकार एक साखी आती है, जब गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी को अपने साथ चलने को कहा था तो कहते हैं नानकी जी से उन्होंने पैसे लिए थे ताकि वो रबाब खरीद सकें और रबाब फिरंदे के यहाँ से लेनी थी। भाई मर्दाना जी कहते हैं फिरंदे के यहाँ पर गए और उन्होंने रबाब खरीदनी चाहिए, रबाब उन्हें पसंद आई और जब रबाब की कीमत उन्होंने पूछी तो फिरंदे ने कह दिया था कि इस रबाब की कोई कीमत नहीं है, ये बेशकीमती हो जाएगी, जब रबाब आप गुरु नानक देव जी के लिए बजाएंगे। परंतु फिर भी जब भाई मर्दाना जी ने रबाब की कीमत पूछी तो फिरंदे जी ने कह दिया कि इसकी ये कीमत है कि आज के बाद आप ये रबाब सिर्फ और सिर्फ गुरु नानक देव जी के लिए बजाएंगे, कभी किसी के यहाँ पर, किसी राजा के यहाँ पर, किसी व्यक्ति के लिए, किसी को खुश करने के लिए ये रबाब कभी नहीं बजाएंगे, क्योंकि उस वक्त के मिरासी जो होते थे वो रबाब राजाओं के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए, यहाँ तक कि जहाँ मुजरा होता था वहाँ भी रबाब बजाते थे, परंतु धन्य है वो रबाब जो कि गुरु नानक देव जी के लिए बजी थी और जिससे कहते हैं तुर्की बानी आई तिन सगली चिंत मिटाई। जब बानी आती तो रबाब बजती, भाई मर्दाना जी रबाब बजाते, धन्य है वो रबाब भी जो कि शब्द के लिए बजी, गुरु नानक देव जी के लिए बजी थी। इसी प्रकार कहते हैं एक बार भाई मर्दाना जी ने पूछा कि आप मुझे हर जगह पर, हर उदासी पर अपने साथ लेकर चलते हैं, आप मुझे, मैं आपका क्या लगता हूँ? ऐसा मर्दाना जी ने पूछा था। धन्य है भाग भाई मर्दाना जी के,
गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया था कि तुम तो मेरे भाई हो, जरा सोचिए जिस गुरु नानक देव जी को दुनिया ढूंढती है, उसे पाना चाहती है, परमेश्वर का रूप जानती है, आप गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी को अपना भाई समझते थे, भाई मानते थे। धन्य है भाई मर्दाना जी। जरा सोचिए हमारे कितने बड़े भाग हैं जो हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, गुरसिख समझते हैं, क्योंकि हम गुरु नानक देव जी के गुरसिख हैं। कहते हैं कितने बड़े भाग होते हैं जब मनुख एक सिखों के घर पर पैदा होता है। सिखों के घर पर मनुख पैदा होने पर सिखों के बड़े भाग माने जाते हैं। तो भाई मर्दाना जी पहले सिख हुए हैं, सिख जगत के पहले सिख भाई मर्दाना जी हुए हैं। बल्कि वो एक मुस्लिम घराने के थे, मरासी थे, परंतु उन्हें पहला सिख माना जाता है। एक बार की साखी आती है, हुआ यूं कि जिस प्रकार बटाले में गुरु नानक देव जी का विवाह हुआ, शादी हुई थी, गुरु नानक देव जी ने सभी को उपहार बांटे, सब पर कृपा की, और भाई मर्दाना जी ने आकर कहा कि हे सच्चे पातशाह, आज आपकी शादी हुई है, आप मुझे क्या देंगे? जानी जान पिता परमेश्वर गुरु नानक देव जी सब कुछ जानते थे, परंतु फिर भी गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी से पूछा, भाई आपको क्या चाहिए, मांगो। इस पर कहते हैं भाई मर्दाना जी ने मांगा था उनका पहना हुआ चोला, वो चोला जो शादी के वक्त गुरु नानक देव जी ने पहना था। इस पर गुरु नानक देव जी ने अपना चोला उन्हें दे दिया और कहा कि इस चोले को पहनकर आप मुझे वादा करें कि आप किसी और के आगे झोली नहीं अड़ेंगे, किसी और से मांगेंगे नहीं। ऐसा ही हुआ था। गुरु नानक देव जी ने जो वचन कहे उस पर भाई मर्दाना खड़े उतरे, और भाई मर्दाना जी ने कभी किसी के आगे झोली नहीं अड़ी। इसी प्रकार कहते हैं पुरानी जन्म साखी में एक साखी आई है, एक कथा आई है, जिसमें भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी को छोड़कर जाने की बात कही है। भाई मर्दाना जी कहते हैं, असानु विद्या कर अपने नालो, जिसका अर्थ है हे गुरु नानक देव जी, मुझे अपने से अलग कर दे, मैं आपको छोड़कर जाना चाहता हूँ। इस पर गुरु नानक देव जी ने कहा था, असादि तेरे ऊपर बहुत खुशी है, धन भाग है भाई मर्दाना जी के, जिस पर आप गुरु नानक देव जी खुश होते हैं। क्या कभी हमने सोचा कि हम गुरु साहिब जी को खुश करें? ऐसे कोई कर्म किए जिससे गुरु साहिब जी खुश हो जाएं, गुरु नानक देव जी की हमें प्रसन्नता मिले? हम सेवा तो करते हैं, बंदगी तो करते हैं, ऊपरी तौर पर करते हैं। काश हम ऐसी सेवा कर सकें जिससे गुरु नानक देव जी खुश हो सकें। जब मर्दाना जी उन्हें छोड़कर जा रहे थे, गुरु नानक देव जी ने कहा कि वे रहवी असा नाल, जिसका ये अर्थ है आप कैसे रहोगे मेरे बगैर,
क्योंकि आप हमेशा ही मेरे साथ ही रहते हो। भाई मर्दाना जी ने कहते हैं, कहा, उत्तर दिया, बाबा तू अतीत पुरख है, वजदी जाओ नहीं उजाड़ रहे, जिसका अर्थ है जहाँ पर गरीब बसते हैं, कोड़ी बसते हैं, वहाँ तेरा वासा होता है। जहाँ गरीब होते हैं वहीं तू जल कर जाता है। जिस प्रकार आपने साखी सुनी थी भाई लालू जी की, जब एक धनवान व्यक्ति ने उन्हें अपने घर पर बुलाया था कि आप मेरे घर पर खाना खाने आए, परंतु गुरु नानक देव जी उनके घर पर नहीं गए थे, वो गए भाई लालू जी के घर पर। और जैसे आपने साखी सुनी थी कि भाई लालू जी के घर पर जाकर एक खाट पर उन्होंने उस अमीर व्यक्ति के, धनवान व्यक्ति के रोटी रखी थी, उस रोटी में से जब उन्होंने मुट्ठी दबाई तो उसमें खून निकला था, और भाई लालू जी की एक खाट पर रोटी रखी थी जिसमें से दूध बहा था, जिसका अर्थ ये था कि सच्ची कमाई करनी है, अच्छे कर्म करके हमें व्यवहार करना है, जीवन जीना है, ताकि गुरु की प्रसन्नता हमें मिल सके। तो इसी प्रकार भाई मर्दाना जी कहते हैं कि आप गरीबों के घर जाते हैं, उजड़े हुए लोगों के पास जाते हैं, बहुत गरीब हैं जिन्हें कोढ़ हो चुका है, कोढ़ियों के पास आप जाते हैं। इस पर भाई मर्दाना जी ने कहा था, एक काम करे ता रहसा, आप एक काम करेंगे तो मैं आपके साथ रहूंगा। भाई मर्दाना जी कहते हैं कि मैं रबाब बजाता हूँ, आप कीर्तन करते हैं, ये बानी तुरो आती है, तुर्की बानी आई तीन सगली चिंत मिटाई, ये बानी तुरो आती है, मैं रबाब बजाता हूँ, आप कीर्तन करते हैं। आप कहते हैं मर्दाने रबाब बजा, बानी आई है, परमेश्वर के घर से बानी आती है, आप बानी उचारते हैं, मैं रबाब बजाता हूँ। परंतु जब बानी का उच्चारण आप बंद कर देते हैं, आप फिर एकांत में हो जाते हैं, आप चुप हो जाते हैं, आपकी आंखों में से कई देर तक नीर बहता है, आपके अंदर बानी का रस होता है। हे सच्चे पातशाह, मैं आपके साथ तब रहूंगा जब वो रस आप मुझे दे दें, जब बानी आने के बाद आपके आंखों से नीर बहता है, आप परमेश्वर के रस में बह जाते हैं, वो रस आप मुझे दे दें, तभी मैं आपके साथ रहूंगा। और कहते हैं दूसरी बात, भाई मर्दाना जी ने कहा, दूसरी वस्तु मांगी थी वो इस प्रकार है, मैं खिन खिन भूल करता हूँ, हमेशा भूलता हूँ, और आप मुझे बख्श लेते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे सच्चे पातशाह, आप मुझ पर कृपा करते हैं, हर बार मैं भूलता हूँ और हर बार ही आप मुझे बख्श लेते हैं। हे सच्चे पातशाह, आप मुझ पर कृपा करें, मेरे कर्म कभी भी ना चितारें, आप हमेशा मुझ पर रहम करें, मेरे कर्मों पर ना देखें, मेरी भूलों पर ना देखें, बल्कि आप मुझ पर हमेशा ही रहम करें। ये दो बातें भाई मर्दाना जी ने कही थी, मांगी थी, और कहा था तभी मैं आपके साथ रहूँगा। इस पर गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया था, तय पली वस्त मंगी, जिसका अर्थ यह है कि आपने बहुत ही अच्छी वस्त मांगी है, बहुत ही अच्छी वस्तुएं मांगी हैं। इस पर भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी के चरणों पर नमस्कार की, और कहते हैं गुरु नानक देव जी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया था। इस प्रकार
भाई मर्दाना जी की गुरु नानक देव जी के साथ कई साखियाँ हैं। एक बार ऐसा हुआ था, कहते हैं भाई मर्दाना जी ने कहा, तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं है, भाई मर्दाना और गुरु नानक देव जी एक ही हैं। गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया कि वे कैसे, भाई मर्दाना जी ने कहा, तू रब दा दूम, मैं तेरा दूम हूँ, यानी कि तू रब का ढाडी है, परमेश्वर का ढाडी है, तू परमेश्वर के लिए कीर्तन करता है और मैं तेरे लिए ढाडी हूँ, मैं तेरे लिए कीर्तन करता हूँ, तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं। एक बार ऐसा हुआ था, भाई मर्दाना जी ने कहा, आज कीर्तन करते हुए बहुत आनंद आ रहा है, आज मुझे तीन चीज़ों की समझ आई है। ऐसा भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी को कहा, तय खुदाए पाया है, तय खुदाए देखिया है, तेरा कहा होया खुदाए मंदा है, असानू कदी विछोड़ी ना, ना एथे ना उथे। भाई मर्दाना जी कहते हैं, आप खुद आप परमेश्वर हैं, परमेश्वर का रूप है, आपने परमेश्वर को ही पा लिया है, परमेश्वर और आप में कोई अंतर नहीं है। हे सच्चे पातशाह, भाई मर्दाने पर ये रहम करना, ऐसी बख्शिश करना कि मेरे में और आप में कोई अंतर ना रहे, जहाँ आप हो वहीं मैं रहूं। ऐसा भाई मर्दाने जी ने कहा। इस पर गुरु नानक देव जी ने कहा था, जिथे मेरा वासा उथे तेरा वासा, और जिथे तेरा वासा उथे मेरा वासा, जहाँ तू रहेगा वही मैं रहूँगा, जहाँ मैं रहूँगा वही तू रहेगा। धन भाग हैं भाई मर्दाना जी के, जो गुरु नानक देव जी के 54 साल तक उनका साथ निभाया था। इसी प्रकार भाई मर्दाना जी की कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी में दो बाणी आई हैं और कहते हैं तीन शब्दों में भाई गुरदास जी ने भाई मर्दाना जी के बारे में कहा है। राग बिहागड़ा में गुरु ग्रंथ साहिब जी में भाई मर्दाना जी की बाणी आती हैं, जो इस प्रकार है। भाई मर्दाना जी फरमाते हैं, मर्दाना पहला काया लाहन आप मद, मजलस तृष्णा तात, मनसा कटोरी कूड़ परी, पी लाए जमकाल, इत मद पीते नानका, बहुते खटिए विकार, ज्ञान गुड़ सलाह मंडे, पौ मास आहार, नानक इहु भोजन सच है, सच नाम आधार, काया लाहन आप मद, अमृत तिसकी तार, सत संगत सियो में लाप होए, लिव कटोरी अमृत परी, पीपी कटे विकार। भाई मर्दाना जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो मनुख का शरीर है वो शराब की तरह है, जिसमें विकार हैं, और हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में जीते हैं और दूसरे शरीर को पाने की इच्छा रखते हैं, काम की इच्छा रखते हैं, जिससे कि हम जमकाल के वश पड़ जाते हैं, जमों के वश पड़ जाते हैं, हमें नरक भोगने पड़ते हैं। परंतु जो प्रभु के चरणों में आ जाता है, वाणी के साथ जुड़ता है, प्रभु के साथ जुड़ता है, उसका उद्धार होता है। परंतु जो मांस के साथ जुड़ता है, उसे जमदूत लेने आते हैं। ये जो नाम का आधार है, नाम का भोजन है, वही सच्चा भोजन है।
जो नाम के अमृत के साथ जुड़ते हैं उसका उद्धार होता है। सत्संगत में जो आते हैं, नाम का अमृत पीते हैं, वो भवसागर से तर जाते हैं, ऐसा भाई मर्दाना जी कहते हैं। इसी प्रकार गुरदास जी की वाणियों में भी तीन शब्द ऐसे आए हैं जिसमें भाई मर्दाना जी का नाम है। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना। अकाल पुरख का रूप आप गुरु नानक देव जी हुए हैं और दूसरा भाई मर्दाना जो कि रबाब बजाते थे और गुरु नानक देव जी ने आप उन्हें अपना भाई माना है। धन है भाई मर्दाना जी। कभी आपने विचार किया है कि ये वाणी तुरो आई है? गुरु नानक देव जी हमेशा कहा करते थे ये तुरो वाणी आई है, भाई मर्दाना जी रबाब बजाएं, वाणी आई है। वाणी तो आती थी, गुरु नानक देव जी आप वाणी उच्चारते थे, परंतु आपने कभी ये सोचा है कि उसी वक्त जिस प्रकार वाणी कभी आती थी राग गुजरी में, बैराड़ी राग में, आशा राग में, परंतु जिस प्रकार वाणी आती थी गुरु नानक देव जी वाणी का उच्चारण करते थे, उसी वक्त भाई मर्दाना जी रबाब छेड़ते थे और उसी राग में वाणी गाते हैं। गुरु नानक देव जी को तो पता था परमेश्वर का ही रूप है गुरु नानक देव जी, वो सभी को जानते थे। कट कट के अंतर की जानत, पले गुरे की पी पछानत, सभी को जानते हैं। परंतु धन्य है भाई मर्दाना जी भी, जो वाणी आती है तुरो वाणी आती थी, वही वाणी जिस राग में आती थी उसी राग में उसी वक्त भाई मर्दाना जी भी बजाते थे। बहुत गौर करने वाली बात है ये, यानी कि भाई मर्दाना जी कोई आम व्यक्ति नहीं थे। जिस प्रकार हम सोचते हैं कितने बड़े भाग थे जो 54 साल तक भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी के साथ रहे थे, हम अदासे कहते हैं जीवन भर कि एक बार हमें काश गुरु नानक देव जी के दर्शन हो जाएं, और भाई मर्दाना जी उनके साथ 54 सालों तक रहे, उनके साथ सारा जीवन बिताया और जिस राग में वाणी आती थी उसी राग में वे वाणी के साथ मिलकर रबाब छेड़ते थे, रबाब बजाते थे। धन है भाई मर्दाना जी। जिस प्रकार वाणी आई है, हर हरजन दुए एक है, बिब विचार कछ नाहे, जलते उपज तरंग जियो, जल ही बिखे समाए। हर हरजन, जो हरि पिता परमेश्वर प्रभु आप और हरि का जन यानी कि भाई मर्दाना गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी में कोई अंतर नहीं रहा, वो एक हो गए। प्रभु में और गुरु नानक देव जी में कोई अंतर नहीं था, गुरु नानक देव जी आप पिता परमेश्वर हैं। उसी प्रकार भाई मर्दाना जी और गुरु नानक देव जी आप भाई थे, एक मिक हो गए थे, एक जैसे थे, कोई अंतर नहीं रहा हमें। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी के साथ हमेशा भाई मर्दाना रहे और कहते हैं 1534 में भाई मर्दाना जी का अंतिम समाया, गुरु नानक देव जी भी उनके साथ उस वक्त थे। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी से पूछा कि आपके जाने के बाद, आपके शरीर छोड़ने के बाद, आप जैसे कि मरासी के घराने के हैं, एक मुस्लिम हैं, तो आपकी कब्र खोदी जाए, आप कब्र में जाना पसंद करेंगे या आपको जला दिया जाए, आप मरने के बाद कैसा पसंद करेंगे? इतिहासकार ने कहा है, भाई मर्दाना जी ने उत्तर दिया था कि हे सच्चे बादशाह, आपके साथ पूरा जीवन भर रहने के बाद भी अगर मैं अपने शरीर के बारे में सोचूं तो क्या लाभ, क्या फ़ायदा, क्योंकि हर किसी को इस शरीर को छोड़ कर जाना है। मैं ना तो मुस्लिम हूँ, ना तो हिंदू हूँ, मैं तो
आपके साथ रहकर आप ही का रूप हो गया हूँ, परमेश्वर का ही रूप हो गया हूँ। इस शरीर के साथ जो कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये चाहता हूँ मेरी आत्मा, मैं जहाँ भी रहूँ तेरे साथ रहूँ, जहाँ गुरु नानक रहे वहीं मैं रहूँ। ये शरीर तो नाशवान था, एक दिन इसे जाना ही था। मैं शरीर की चिंता नहीं करता, परंतु मैं चाहता हूँ मैं जहाँ भी रहूँ मेरी आत्मा जहाँ भी रहे वहीं रहे जहाँ तू रहे। काश हम भी ऐसी मांग रखें जैसी मांग भाई मर्दाना जी ने रखी थी, कि पहले तो मैं जा रहा हूँ आपके संग रहूँ, आपका संग मुझे मिले, ऐसी चाह हम भी रख सकें। एक तो जब बानी आती थी, तुरु बानी आती थी, गुरु नानक देव जी की आँखों से नीर बहता था, भाई मर्दाना जी ने मांगा था कि ऐसा रस मुझे भी मिल जाए कि जब मैं बानी पढूं, बानी सुनूं, ऐसा रस बानी से मुझे भी मिले। तो हम भी अरदास करें कि हम भी बानी पढ़ते हैं, प्रभु के साथ जुड़ते हैं, वो रस जिसके बारे में मर्दाना जी ने कहा है वो रस हमारे अंदर भी आए। ऐसी मांग हम भी रखें कि जहाँ गुरु नानक बसे हम भी वहीं बसे, तो ही हमारा उद्धार हो सकेगा, तो ही हमारा संसार में आना सफल हो सकेगा, तो ही हमारा जीवन सफल हो सकेगा। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सात संगत बख्शन योग हो, भुला बख्शो, माफ़ी देव। सात संगत अशीष बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए, मुझे कभी 84 लजुनियों में ना फंसना पड़े, ऐसी अशीष बख्शना। मैं भी भवसागर से पार लग जाऊँ, मुझे भी कीर्तन में आनंद आए, कथा में आनंद आए, वो रस जो मर्दाना जी को आया था वो रस मुझे भी मिल सके, ऐसी अशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।